कहानी 24। योहन्ना रा यीशुआ जो बपतिस्मा देना। एलिशिबा और जकरिया रा बेटा योहन्ना बड़ा हुई के भविष्यवक्ता बनेगा। से बना च रहा था, से जंगली शहद और टिड्डियां खा था और ऊंटा रे बाड़ा रे बने कपड़े पहना था। योहन्ना रे बात सुनने बहुत सारे लोग जंगला च आए गए। तिने ए बोली के लोका जो प्रचार कित्या, भई अपने पापा ते माफी मंगो, परमेश्वर रा आगमन नेड़े आ। लोका ने योहन्ना री बात सुनी के तो तिना में ते कईया ने अपने पापा री माफी मंगी। तब योहन्ना ने तिना जो बपतिस्मा दित्या। योहन्ना जो देखने खतर बहुत सारे धर्मी प्रधान भी आए, पर तिने अपने पापा री माफी नहीं मंगी। योहन्ना ने धर्मी अगवो जो बोलिया, हे जेरले सांपो, माफी मंगो और अपना रवैया बदलो। परमेश्वर ने से सारे डाल कट्टी देने जिना रे फल ठीक नहीं है, से तिना जो आगी च पाई देंगा। जो भविष्यवक्ता ने बोलिया योहन्ना ने से पूरा कित्या। देख, आऊं तां खतर छोड़ी संदेशवाहक भेजगा जो तेरा रास्ता बनांगा। कुछ धर्मी अगवो ने योहन्ना ते पूछया, क्या ये मसीहा? योहन्ना ने बोलिया, आऊं मसीह नहीं आ, पर से मेरे बाद आवने लगीरा। से इतना महान आ, आऊं तीसरे आगे बूटा रे तस्मे खोलने जोगा नहीं आ। दूजे दिन यीशु योहन्ना के बपतिस्मा लेने आया। जब योहन्ना ने तीसो देखा तो तिनी बोलिया, देखो परमेश्वरा रा मेमना जो संसारा रे सारे पापा जो आपूक ने ले जांगा। योहन्ना ने यीशुआ जो बोलिया, आऊं तिजो बपतिस्मा देने लायक नहीं आ, बल्कि जरूरी आ भाई तू मिंजो बपतिस्मा दे। तब यीशु ने बोलिया, भाई तिजो मिंजो बपतिस्मा देना चाहिए, भाई करने खतर यही काम ठीक आया। तब योहन्ना ने तीसो बपतिस्मा दित्या, जबकि यीशुआ ने कदी पाप नहीं किता। बपतिस्मा मिलने ते बाद जब यीशु पानिया ते बाहर आया, तब परमेश्वर की आत्मा कबूतरा रे रूपा च दिखी और उन्दे आई के तिस पर रुकीगा। तिस समय परमेश्वर ने स्वर्गा ते बात कीती। तिने बोलिया, तू मेरा बेटा, आऊं ता कने प्यार करां, आऊं ता कने बहुत खुश आ। परमेश्वर ने योहन्ना जो बोलिया, पवित्र आत्मा उन्दे आई के जिस पर रुकगा तिसो ते बपतिस्मा देना, से ही परमेश्वर रा बेटा होना। परमेश्वर इक ही आ, पर जब योहन्ना ने यीशुआ जो बपतिस्मा दित्या, तब तिने परमेश्वरा जो बातें करदे सुनिया बेटे, और परमेश्वरा जो देखिया, जो कि यीशु आया और तिने पवित्र आत्मा जो देखिया।